मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी चाय की जो चाय बिस्किट की जर्नी है। आप सोचते हो कि मैं बच्चों की तरह खाती हूँ चाय बिस्किट, तो चाय बिस्किट मुझे कब से अच्छा लगने लगा मैं आपको बताती हूँ और खाती भी रहती हूँ क्योंकि टाइमिंग मेरे पास बहुत ही कम है। अभी मुझे लगाना है पोछा घर में, झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, पोछा वाला काम बचा है, तो सोच रही हूँ कि चावल एक साइड में रख दिया है पकने के लिए और जब तक मेरा चाय भी हो जाएगा और चावल भी पक जाएगा उधर, और चावल का फ्लेम जो है बहुत मीडियम में रखती हूँ तो इससे चावल जो है बहुत अच्छा से पकता है, बहुत ही टेस्टी आता है, जैसे सोना सोना सा। आप गांव में बटुए में चावल पकाते हो ना, मतलब चूल्हे पे, तो उस तरह से इसका टेस्ट आता है। और जो है जो मतलब कुकर ख़राब होता है वो भी बिल्कुल नहीं होता है, स्लैब नहीं ख़राब होता, मतलब चूल्हे के आसपास जो भी वॉलपेपर लगे हैं वो सारे नहीं ख़राब होते। मेरी बिस्किट तो गिर गया, टूट के भीगा था ना, इसलिए आप लोग भी खाइए। और मुझे बताना था कि मैं चाय बिस्किट क्यों खाती हूँ। चाय बिस्किट मैं खा रही हूँ 2 साल से, लगभग 2-2.5 साल से हो गया, 2 साल हो गया होगा इसी गर्मी से। मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था और जब ऑपरेशन होता है तब तो डॉक्टर पहले ही मना कर देते हैं, ना ही इनको पानी दिया जाएगा ना खाना दिया जाएगा। ऑपरेशन तो पहले भी, ऑपरेशन के बाद भी, फिर मैं क्या करूँ, ऑपरेशन हो गया जब तक तो होश में नहीं थी, तब तक भूख नहीं लगी थी, जब होश में आई तब सबसे पहले तो भयंकर वाला दर्द होता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा डॉक्टर आएंगे, दवा ववा देंगे या कुछ भी, थोड़ी टाइम बीतेगा तो पानी प्यास लगने लगी थी। अब फिर उसके बाद डॉक्टर बोल देंगे कि हाँ इनको थोड़ा सा कुछ दीजिए, चाय कुछ भी। बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत इंतज़ार करे हैं तब जाके चाय बिस्किट डॉक्टर बोले हैं। अब जब चाय बिस्किट डॉक्टर बोले हैं तो उसमें भाई जोर से भूख लगी रहती है। तब मेरे पति देव चाय बिस्किट मेरे लिए लाए और वो चाय मतलब बिस्किट में पार्ले जी ले आए थे, वो समझ लीजिए वो चाय बिस्किट मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तक मतलब चाय बिस्किट मुझे मिले। नमकीन मैंने छोड़ दिया, बहुत ही कम खाती हूँ नमकीन चाय के साथ, बस चाय बिस्किट। और मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे बेटे को अच्छा लगता है, मेरी श्रिया को भी अच्छा लगता है, मतलब हम तीनों को अच्छा लगता है। वो तो मान लीजिए बच्चे हैं खाते हैं चल जाएगा, मैं भी उनके साथ बच्ची बन जाती हूँ, चाय बिस्किट के लिए लड़ाई हो जाती है हम तीनों में। कभी कभी ना ये होता है कि भैया देखिए हर चीज़ ये घर में तो अवेलेबल है नहीं, मार्केट आवा तो कभी कभी नहीं रहा, एक ही पैकेट है, एक पैकेट में 3 लोगों के लिए तो बहुत कठिन है, जो छोटा छोटा पैकेट पहले वाले साइज तो अब आते नहीं हैं, तो इसलिए हम बच्चों में लड़ाई भी हो जाती है। मेरा चाय का टाइमिंग और कूड़ा वाले भैया का टाइमिंग एक ही है। अब देखिए मैं यहाँ चाय पी रही थी, कूड़ा वाले भैया की सीटी बज रही है, मतलब जैसे ये कहिए कि चाय वाले वो आते हैं अच्छा लगता है क्योंकि भाई सारा घर का जो कूड़ा है वो चला जाता है, लेकिन मेरे जब चाय के टाइम आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। अभी चलिए ले चलिए, एक दिन ना मैं ऐसे कूड़ा डाल रही थी, मोबाइल रखी थी, तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं मोबाइल यहाँ पे क्यों रखा है, कुछ तो है। मैंने फिर सोचा उनको बता दूँ, फिर नहीं बताई, उनके चलते हैं। बिस्किट खाते क्या, बिस्किट खाने का एक कहते हैं ना कि एक अगर ख़राब भी है तो एक अच्छा ही भी है, इसके क्या कहते हैं, एक गिलास मुझे पानी जो है आराम से मैं पी लेती हूँ। एक गिलास मेरा पानी ख़त्म हो गया। ये थी मेरी चाय और बिस्किट की जर्नी। आई होप कि ये मेरी जो स्टूपर से या मस्ती भरी जो जर्नी थी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच जाएगी। और दूसरा मेरा दो चैनल, इसके अलावा दो चैनल और चल रहे हैं, तो आप लोग उस पर भी आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं दो चैनल पर अपने लाइव कर रही हूँ, एक ब्लॉग विथ बबीता 2 पे और दूसरा है श्रेया सिंह पे। दो चैनल पे मैं लाइव करती हूँ और ब्लॉग विथ बबीता 2 पे मैं करती हूँ 3:15 पे लाइव और श्रेया सिंह पे करती हूँ 6:15 पे। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और हमसे जुड़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप लोग आएंगे, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अलग सीखने को आपसे, कुछ मतलब भाई मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन आप लोगों से कुछ सीखने को मुझे मिलता है बहुत कुछ। तो फिर हम चाय ख़त्म कर लूँ, चाय ठंडी हो गई, जर्नी ही शेयर करती रहूँगी, चाय तो ख़त्म मतलब ठंडी हो जाएगी। तो चाय पी के भी मिलते हैं कूड़ा डाल के, ये लो।